उम्मीद करते हैं आपके फाइनल मस्त होंगे। तो ये वीडियो ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स के लिए है हु हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज अ मेजर और माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका सिलेबस क्या है और कैसे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, वो चाहे मिडसेम एग्जाम हो या फिर मेन एग्जाम हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर 8 यूनिट्स, जो पेपर का टाइटल है वो है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, और इस पेपर में आपको दिया गया है 8 यूनिट्स, 8 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें कि आपको इन 8 यूनिट्स में वो सारी चीजें दी गई हैं कि ड्रामा का आपका बेसिक भी तैयार हो जाए, एलिमेंट्स, काइंड्स और काइंडनेस, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, और कुछ ड्रामा के टेक्स्ट भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो कि डिटेल्ड और नॉन डिटेल स्टडी के लिए आपको पढ़ना है। तो आइए एक एक करके हम एक एक यूनिट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है ड्रामा टाइप्स, ड्रामा के टाइप्स। पहला यूनिट जो है इसमें आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास आर गिवन हियर, इसको आपको एक एक करके ड्रामा के टाइप्स पढ़ना है। दूसरा यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा मतलब ड्रामा के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसके एक साथ हो जाने से ड्रामा का कंस्ट्रक्शन होता है। थर्ड यूनिट है लिटरेरी टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, ड्रामा से रिलेटेड जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं ना, उन लिटरेरी टर्म्स को प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसको कि आपको प्रॉपर तरीके से डिफरेंट बुक आपको सजेस्ट किया गया है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए बुक के बारे में तो मैं टेलीग्राम चैनल और अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैंने शेयर किया, उसको आप देख सकते हैं। थर्ड यूनिट जो है लिटरेरी टर्म्स, और फोर्थ यूनिट है लिटरेरी टर्म, फोर्थ यूनिट इज आल्सो लिटरेरी टर्म। तो क्योंकि लिटरेरी टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा देयर आर सो मेनी लिटरेरी टर्म्स, तो आपको दो यूनिट में यहाँ दिया गया, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो लिटरेरी टर्म्स है जो कि ड्रामा से रिलेटेड टर्म्स आपको पढ़ना है। और फिफ्थ यूनिट जो है अब यहाँ से शुरू होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, जैसे डिफरेंट राइटर्स ने ड्रामा लिखा हुआ है, तो जो फिफ्थ यूनिट है उसमें सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ, दैट इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, उसको आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया मैकबेथ। मैकबेथ को आपको डिटेल्ड स्टडी में पढ़ना है। डिटेल स्टडी क्या है और नॉन डिटेल स्टडी क्या है अभी मैं जस्ट आपसे शेयर करूंगा। तो मैकबेथ जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो डिटेल स्टडी के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। और सिक्स्थ यूनिट जो है वो जीबी सॉ, जी ब्रिटिश ड्रामा से ही जीबी सॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक टेक्स्ट प्रेस्क्राइब किया गया जिसका टाइटल है आर्म्स एंड द मैन एंड एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ये फिफ्थ यूनिट में आपका सिक्स्थ यूनिट में आपका जीबी सॉ का आर्म्स एंड द मैन प्रेस्क्राइब किया गया है। और इसी में दूसरा जो ड्रामा प्रेस्क्राइब किया है गोल्ड स्मिथ का सी स्टिप्स टू कॉन्कर, सी स्टिप्स टू कॉन्कर। मैं बता दूं कि ये जो दोनों ड्रामा है, सिक्स यूनिट के दोनों ड्रामा जीबी सॉ का और गोल्ड स्मिथ का, ये दोनों ड्रामा आपको नॉन डिटेल स्टडी के लिए प्रस्ताव किया गया है। डिटेल स्टडी का मतलब जिसमें आपको डायलॉग टू डायलॉग आपको एक एक डायलॉग पढ़ना है, आपको जिससे एक्सप्लेनेशन आएंगे और आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल कमेंट ये आपको लिखना पड़ेगा डिटेल स्टडी से, मतलब मैकबेथ से आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा कि आप एक एक डायलॉग प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसमें से कहीं से किसी का डायलॉग दिया जा सकता है और आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या है, सेवंथ यूनिट है। अब यहाँ पे सेवंथ यूनिट में अमेरिकन ड्रामा प्रेस्क्राइब किया गया है, जैसा कि ब्रिटिश ड्रामा भी आपने देखा कि दो यूनिट में ब्रिटिश ड्रामा प्रेस्क्राइब किया गया था, और सेवंथ यूनिट में अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा के अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं ऑगस्ट विल्सन। ऑगस्ट विल्सन की बहुत ही फेमस ड्रामा है फेंसेस, फेंसेस जो कि शायद मार्केट में इसके टेक्स्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो फेंसेस आपको पढ़ना है, लेकिन फेंसेस डिटेल्ड स्टडी के लिए, डिटेल स्टडी में आपको फेंसेस पढ़ना है, मींस वही कि आपको टेक्स्ट मतलब डायलॉग टू डायलॉग आपको टेक्स्ट पूरा पढ़ना है, इससे भी एक्सप्लेनेशन आ सकता है। और इसके बाद यूनिट एट में आपको फिर से अमेरिकन ड्रामा प्रेस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि दो ड्रामा है, लेकिन अब ये दोनों ड्रामा नॉन डिटेल स्टडी के लिए है। पहला इसमें जो ड्रामा है टेनिस विलियम्स की एक बहुत ही फेमस ड्रामा है स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ये नॉन डिटेल स्टडी के लिए आपको प्रेस्क्राइब किया गया है। और द लास्ट वन आर्थर मिलर की वन ऑफ द वेरी फेमस ड्रामा, वन ऑफ द वेरी फेमस ड्रामास दैट इज नोन एज ऑल माई सन्स। सो ये जो एट यूनिट है इसमें आपको बेसिक मीन्स काइंड ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा एंड द फेमस टेक्स्ट मीन्स लाइक विलियम शेक्सपियर्स टेक्स्ट, जीबी सॉस टेक्स्ट एंड डिफरेंट ड्रामेटिस्ट आर प्रेस्क्राइब, आपको इनके ड्रामा के टेक्स्ट पढ़ने हैं। तो आप इस तरीके से देख लिया आपने कि ये जो डिफरेंट ड्रामा के टेक्स्ट, टर्म्स, एलिमेंट्स और काइंड्स ऑफ ड्रामा जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब किए गए हैं, इससे आपका ड्रामा से रिलेटेड जो पूरी प्रॉपर नॉलेज होती है वो उम्मीद किया जाता है कि आप
ड्रामा का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाए। तो अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है कि हाउ टू टैकल विद दीज सिलेबस मींस दीज टॉपिक्स, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहला काम कि जो एक एक करके एक एक यूनिट से आपको प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पढ़ लीजिए, फिर गाइड्स ऑफ ड्रामा पढ़ लीजिए, फिर डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, बुक हमने आपको सजेस्ट कर दिया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रामा जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, यू कैन गो थ्रू दैट बुक, उसमें सारे टर्म्स एलिमेंट्स काइंड्स ऑफ ड्रामा ये सारी चीजें दी गई हैं, केवल ये छोड़ करके कि जो डिफरेंट 6 टेक्स्ट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो टेक्स्ट छोड़ करके उस पूरा जो शुरुआत की 4 यूनिट है वो चारों यूनिट को ये जो बुक है ये पूरा डिस्कस करता है। इसके अलावा आपको इन 6 बुक्स को लेना होगा जिसमें कि 2 बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे फेंसेस नहीं अवेलेबल है और स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ये 2 बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त देयर आर 4 अदर टेक्स्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप पहले ले लीजिए और उसके कम से कम सारे ड्रामा के समरी को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है, मीन्स द समरी ऑफ ऑल दीज ड्रामा, सारे ड्रामा के समरी को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है। समरी आपको स्टोरी पूरी पता हो, कैरेक्टर स्केच आप इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लीजिए कौन कौन से मेजर प्रोटोगनिस्ट है, मेजर प्रोटोगनिस्ट के कैरेक्टर्स को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको कौन सी टाइप का ड्रामा है, जैसे कि ट्रेजेडी है तो इसको एज ए ट्रेजेडी, जैसे मैकबेथ एज ए ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, जीबी सॉ एज ए आइकोनोक्लास्ट, या विलियम शेक्सपियर एज अ ट्रेजेडी राइटर, एज अ ग्रेट ट्रेजेडी राइटर, इस तरीके के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल लर्न इंग्लिश विद शेखर सर या जो कि @TDCollege करके है उस चैनल पे आपको मैं शेयर कर दिया हूँ या कर दूंगा अभी, उसको आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपके पास और भी क्वेरीज हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल लर्न इंग्लिश विद शेखर सर, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पेज दैट इज कुंवर शेखर गुप्ता, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू, सो यू कैन कॉन्टेक्ट फ्रीली टू मी। सो थैंक यू सो मच, टेंशन नहीं लेना है, बस तैयारी करनी है, आपको एग्जाम प्रॉपर अच्छी तरीके से जाएगा, बस थोड़ा सा तैयारी करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।